हेलो दोस्तों, एसटेक में आपका एक बार फिर स्वागत है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ मैक्रो। मैक्रो एक्सेल का बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर है। मैक्रो स्टार्ट करने से पहले आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप आगे देखते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मैक्रो। मैक्रो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैक्रो आपका फीचर आपको एक्सेल में कहाँ पर मिलेगा। मैक्रो होता है व्यू के अंदर मैक्रो टैब में। और एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्रो का यूज कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों, जब आपको एक ही काम को बार बार करना पड़े अलग अलग सीटों में या एक ही सीटों में, उस काम को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और फिर उसको दूसरी जगह अप्लाई कर सकते हैं। चलो आइए मैं बताता हूँ आपको कैसे। ये सीट आप देख रहे होंगे, एक रेडीमेड सीट मैंने पहले से तैयार करके रखी हुई है ताकि आपको समझाने में आसानी हो। मेरे पास डेटा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का, ये डाउन टाइम का डेटा है। मैंने इस शीट तैयार करी और तैयार करने के बाद अचानक मुझे याद आया, अरे मैंने टोटल का कॉलम तो रखा है लेकिन इस पर डेटा नहीं डाला, यानी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे सारी सीटों पर जाना पड़ेगा, वहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये एक ऑप्शन होता है। हाँ, बट इससे बचने के लिए एक तरीका होता है मैक्रो। मैं एक सीट पर काम करता हूँ, यहाँ पर फॉर्मूला लगाता हूँ और उसको रिकॉर्ड कर लेता हूँ और दूसरी जगह मुझे फिर वो फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होती। आइए देखते हैं कैसे हम ये कर सकते हैं। सबसे पहले हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, तो मैं मैक्रो में जाता हूँ, रिकॉर्ड मैक्रो करता हूँ। यहाँ पे मैक्रो का नेम आता है, दिस इज मैक्रो वन, मैं इसे डिफॉल्ट रहने देता हूँ, अगर आप चाहें तो इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ शॉर्टकट की, कौन सी शॉर्टकट की होगी जिसको प्रेस करने से मैक्रो रन होगा। मैं मान लेता हूँ कंट्रोल प्लस बाय या कंट्रोल प्लस एस, ठीक है, और इसे ओके कर देता हूँ। मैक्रो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, अब मैं जो भी काम करूंगा वो रिकॉर्ड होगा। अब आइए देखते हैं, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया सम और इन सब का टोटल कर दिया, यस, और इसको यहाँ नीचे तक फॉर्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। लेफ्ट हैंड की सारी कॉलम्स का सम यहाँ पे मेरा आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको होम में जाके यहां से बॉर्डर डाल देता हूं और अब मैं जाता हूं व्यू में और रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूं। अब मेरा मैक्रो जो है वो रिकॉर्ड हो चुका है। जो काम मैंने यहां पे किया है वही काम मुझे अगली शीटों में करना होता अगर मैं मैक्रो का रिकॉर्ड नहीं करता। तो आइए देखिए कैसे हम मैक्रो रन करते हैं। ठीक है दोस्तों, हम अब मैंने यहाँ पे आपका मैक्रो रिकॉर्ड होकर तैयार है। हम आगे देखते हैं, अब मुझे यही काम दूसरी शीटों में करना होता अगर मैं मैक्रो रिकॉर्ड नहीं करता। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे मैक्रो को रन कर सकते हैं। अब मैं फैब की सीट में जाता हूँ, यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, मैंने इस चीज़ को सिलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैक्रो व्यू मैक्रो और रन कर दिया। ये देखिए यहाँ पे मुझे मिल गई। इसी तरह मैं यहाँ पे जाऊँगा, इस चीज़ को सिलेक्ट करूँगा, मैक्रो में गया, व्यू मैक्रो एंड रन मैक्रो। इसी तरह मैं अप्रैल में जाऊंगा, यहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए, मैं सिलेक्ट किया, व्यू में गया, रन मैक्रो। इसी तरह मैं मई में जाऊंगा, व्यू मैक्रो और यहाँ पे जाके सिलेक्ट करने, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किया, यहाँ पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैक्रो में गया, व्यू मैक्रो एंड रन मैक्रो। इसी तरह मैं सारी शीटों में इस चीज को पेस्ट कर सकता हूँ। ये काम मैं मैक्रो में जाके व्यू मैक्रो में रन से भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसकी जो मैंने कंट्रोल की डिफाइन कर रखी थी उस कंट्रोल की से भी कर सकता हूँ। एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे कि ये और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे जनवरी की सीट में मुझे इस सीट के ऊपर एक कॉलम इंसर्ट करना है और वहां पे लिखना है डाउन टाइम रिपोर्ट और वही कॉलम सभी शीटों में आना चाहिए। मैं फिर से मैक्रो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, तो रिकॉर्ड मैक्रो कंट्रोल की दे देता हूँ, कंट्रोल प्लस एल, मैक्रो टू हो गया ये, ओके ओके किया मैंने। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, इसको इंसर्ट करता हूँ, यहाँ पे मर्ज करता हूँ इसको
यहां लिख देता हूं डाउन टाइम रिपोर्ट, इसे बोल्ड कर देता हूं, थोड़ा बड़ा कर देता हूं, ठीक है। और मैं व्यू में जाके मैक्रो को स्टॉप कर देता हूं। ओके मैक्रो रेडी है। अब मैं कंट्रोल प्लस एल बाकी सीटों में करूंगा जाके। मैं F5 की सीट में गया, मैंने कंट्रोल प्लस एल किया, देखो ऑटोमेटिक कॉलम ऐड हो गया। मैं तीसरी सीट पे गया, कंट्रोल प्लस एल किया, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ कंट्रोल प्लस एल करना है, ऑटोमेटिकली डाउन टाइम रिपोर्ट वहां पे लिखा हुआ आ जाता है क्योंकि वो मैक्रो हमने रिकॉर्ड किया हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बड़ा ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। आप चाहे तो कोई भी चीज जो बार बार आप कर रहे हैं उसको आप मैक्रो के थ्रू इजी कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।